मुझे लगता है कि ये वीडियो कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ यहाँ पे क्लिक किए होंगे कि कुछ इसमें अपडेट है या नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो पूरी वीडियो देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बीच में छोड़ के जाने वाले। यार मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। जो हमारी जो ये वाली वीडियोस हमने बनाई थी, रिलीज NSP माइनॉरिटी फ्रेश पेमेंट 2022-23, इसका क्या अपडेट रहा, क्या कुछ इसका कंक्लूजन निकला, या सिर्फ वीडियो पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, व्यूज़ आए जा रहे हैं, लाइक आए जा रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, इस वीडियो पे हमारी व्यूज़ जो आए हैं 5,000 2 दिन में, समझ सकते हो। और वही चीज़ मैंने बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट भी किए थे, उन सभी का मेरे तहे दिल से शुक्रिया, चाहे निकिता गुप्ता हो, क्रिकेट यहाँ पे वर्ल्ड हो, प्लेयर हो, यहाँ पे जितने भी हमारे कारकले हों, या फिर जो भी हमारे दीपांशु हों, ये हमारे बनी हों, या फिर जो भी हमारे ये जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट दिख रहा है, जितने भी स्टूडेंट का जिन्होंने ये यहाँ पे टैग किया हुआ है, यहाँ पे रिलीज किया, उन सबको तहे दिल से पहले शुक्रिया बताना चाहता हूँ, जितने भी बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आए हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी उम्मीद भी है। यहाँ पे देख सकते हैं मुस्कान खातून, बहुत लोगों ने यहाँ पे किया है, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये फालतू की वीडियोज़ हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ये कमेंट किया है। उससे ज़्यादा मैं आप सबसे एक्सपेक्ट एक चीज़ किया था, मैंने इसके नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन किया था, यहाँ पे शॉर्ट URL करके, यहाँ पे मेरा ट्विटर अकाउंट है जहाँ पे मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने इसको रीट्वीट करने के लिए कहा था, इसमें कमेंट में अपनी राय या फिर इसको रीपोस्ट करने के लिए, यहाँ पे 6 लोगों ने कमेंट किया, 35 लोगों ने रीट्वीट किया, मतलब 35 लोग हमारे सपोर्टिव हैं। 5,000 में से सिर्फ 35 ही ऐसे स्टूडेंट सामने निकल कर आए जो इसको रीट्वीट किए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई मेरी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक मत करो, लेकिन एक ट्वीट आपकी ज़रूरी है। यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, 2 दिन बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, नहीं बनाता कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे टॉपिक पे बनाता मैं क्यों इस पे चीज़। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पसंद आएगी, बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगी, एक्चुअली ये वीडियो आप देखोगे फिर भी आपका टाइम वेस्ट हुआ। कल हमने बनाई थी, 5,000 व्यूज़ है, मेरे लिए तो वर्थलेस है ना, व्यूज़ से क्या करेंगे, लाइक से क्या करेंगे। एक्चुअल में जो चीज़ें उस वीडियो के अंदर मैंने बताए थे रीट्वीट करने के लिए, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं, 5,000 ने उस वीडियो को स्टूडेंट ने देखा, लेकिन 5,000 में से अगर 2,000 भी स्टूडेंट अगर हमारे सपोर्ट करते, इस चीज़ को रीट्वीट करते, तो डेफिनेटली हमारी बात आगे तक ज़रूर पहुँचती। दोस्तों अभी जो टाइम चल रहा है बहुत क्रूशियल चल रहा है, अभी आप देख सकते हो आपके सामने मैंने पिंड कर दिया अपने प्रोफाइल पर, अभी देख सकते हो कि चुनाव है, और चुनाव के बाद क्या चीज़ें होने वाली है, क्या चीज़ें नहीं होने वाली, आई डोंट नो। अभी मैं आप सबसे पूछता हूँ, 2 साल से ये डीले है, कहीं किसी ने भी, चाहे पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता हो, मैं खुला बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, किसी ने, चाहे वो पार्टी का हो या नॉन पार्टी का हो, आप बताओ कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी लीडर है, किसी ने ये मुद्दा उठाया है? माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप का है, किसी ने नहीं उठाया। तो आपको अपने हक के लिए ज़रूर लड़ना पड़ेगा। अगर आपने अभी नहीं जगोगे, कल की कोई और स्कीम आने वाली है, कल की कुछ ऐसी होगी कि OBC ख़त्म कर देंगे, SC ख़त्म हो जाएगी, ST ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे? सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। तो यार जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं, अपने अधिकार के लिए समझोगे नहीं कि आपके अधिकार है, यार आप भी देश के नागरिक हो और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, इसको रीट्वीट करो जितनी ज़्यादा हो सके। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक मत करना, बिल्कुल मत करना, लेकिन रीट्वीट ज़रूर करना। मैंने आपको 2-3 पोस्ट के माध्यम से भी बताई थी, यार भाई मुझे भी लगता है इस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज जाएंगे, क्या करना होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता भी नहीं है ट्विटर अकाउंट कैसे चलता है, मैं ये काफ़ी पेनफुल पॉइंट है क्योंकि सभी को नहीं पता। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं, सर मैं इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं वहाँ पर आइडिया। यार एक आइडिया आपको बनाने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन एक ट्वीट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक ट्वीट, आपके व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी मेरे लिए, लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सिर्फ आपका रीट्वीट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी की भी वीडियो देखें, चाहे किसी भी यूट्यूबर का देखें जो NSP से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता है, डज नॉट मैटर, आप इसको रीट्वीट ज़रूर करें। आप उनसे भी बोल सकते हैं, उनके भी कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, वो भी ऐसे कर सकते हैं, इसी को रीट्वीट कर सकते हैं, या फिर इस चीज़ को, इस हैशटैग को आपको ट्रेंड कराना है। इतनी ज़्यादा रीट्वीट करिए, इतनी ज़्यादा रीट्वीट करिए कि हमारी कुछ ना कुछ क्लू मिले। अभी फ़िलहाल के लिए रीट्वीट से यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि मार्च में कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इन्होंने बोला था कि फरवरी में भी देखने को मिल जाएगा, और
पिछले एक साल से दो साल से इन्होंने बोल रहा था कि नेक्स्ट मंथ अगले छः मंथ अगले सात मंथ के बाद से ये मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है। तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है, किसका? जो स्टूडेंट कभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे, आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, स्कॉलरशिप के नाम पे घंटा मिल गया, बताओ यार कैसे 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 काम चलेगा। मैं किसी गवर्नमेंट को यहाँ पे दोष नहीं दे रहा हूँ और ना ही किसी अपोजिशन पार्टी को, लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बोलूँगा यार, अपने हक के लिए अपने को लड़ाई रहनी चाहिए। आप समझो कि आपके क्या अधिकार है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। आप सोचोगे यार क्या होगा, मिलेगा तो है नहीं, लेकिन सोचो अगर आपके अंदर अभी से अपने आप को ये मान लो, अरे यार कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो यार हटाओ, बकवास की वीडियो है ये, फिर भी कल बनाया था कुछ हुआ नहीं और आज भी बनाया कुछ हुआ नहीं, तो सोचो कि जब एक बार अपने आप को आप सेटिस्फैक्शन दे दोगे कि भाई ये कुछ नहीं होगा, तो तब से आपकी वो क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी, और वो क्वालिटी जब बिल्ड हो जाएगी तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर से हटने लगेगी। फिर आप हमेशा हर जगह सोचोगे कि अरे यार छोड़ो ऐसा होगा नहीं, कोई भी काम के लिए आप आगे नहीं आओगे। तो ये खुल के जब बोलने की ज़रूरत होती है तो ज़रूर आपको आगे आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, इवन चाहे अगर क्रिएटर भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, चाहे कोई भी क्रिएटर हो, प्लीज़ यार सपोर्ट चाहिए हमें। एक हैशटैग रन कराना है, हैशटैग रिलीज NSP माइनॉरिटी 2022-23, इस पे आपको रन कराना है, और इस पे कीवर्ड्स पे आप एक सिंगल वीडियो भी बना सकते हो जितने भी क्रिएटर हो, या फिर आप जितने भी स्टूडेंट हो इसको रीट्वीट ज़रूर करिए। जितना रीट्वीट करोगे उतनी ज़्यादा हमारी यूनिटी मजबूत होगी और उतनी ज़्यादा हमारी बातें आगे तक पहुँचेंगी, और डेफिनेटली होना हो कि मार्च में कुछ इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके का वीडियो बार बार बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आ रहा है, बस मुझे आपको यहाँ पे मोटिवेट करना था, जगाना था जो स्टूडेंट सच में सो गए हैं, अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी जो माइनॉरिटीज़ का जो पावर है वो नहीं पहचान पा रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर है वो नहीं सब पहचान पा रहे हैं। भाई रातों रात में कोई स्टार नहीं हो जाता, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पुश की ज़रूरत पड़ेगी। आप ट्विटर डाउनलोड करो, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट आपकी लिंक यहाँ पे पहुँच जाएगी। यहाँ पे बस ये बटन पे क्लिक करना है, मन करे तो इस पे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, इसको लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको आपको रिट्वीट करना है, ठीक है, कमेंट में यही आप टैग ऊपर वाला यहाँ पे लिख सकते हो, बस इतना ही मेरे को चाहिए भाई साहब। देखते हैं इसके बाद क्या होता है, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए। मैं तो कोशिश कर चुका हूँ, ये लड़ाई मेरी नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई हम सब की, आपकी है। इस लड़ाई के लिए आपको सबसे पहले आगे आना होगा। तो मुझे ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे क्रिएटर हो चाहे स्टूडेंट हो, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, चाहे किसी भी स्कीम के स्टूडेंट हो, प्लीज़ एक सपोर्ट चाहिए। आप ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करिए, हल्ला बोल पार्टिसिपेट करिए। नहीं है आपके पास अकाउंट, आपके दोस्त के पास है, भले स्कीम में अप्लाई नहीं किया है, उससे भी रिट्वीट कराइए। हर एक आदमी सोचे कि मुझे तीन लोगों से रिट्वीट कराना है, जैसे कि आपने फिल्मों में सुना होगा डायलॉग, तो तीन लोगों से आप रिट्वीट कराएंगे तो तीन का अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो ये बहुत ज़्यादा होगा। इस वीडियो पर भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम व्यूज़ आया है, लेकिन फिर भी रिट्वीट के नाम पर जीरो है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि रिट्वीट करिए जितनी जल्दी हो सके, इसको रिट्वीट को कराइए, इस वीडियो को शेयर करिए, फैला दीजिए हर जगह, ताकि हमारी जो अधिकार है वहाँ तक हम पहुँच सकें, अपनी आवाज़ को रख सकें। थैंक यू।